साथियों, तो नौजवान भारत सभा ने जो भगत सिंह के सपनों का जो भारत था, भगत सिंह ने एक सपना देखा था एक सुंदर भारत का, लेकिन काफी हद तक वो सपना भगत सिंह का अभी तक पूरा नहीं हुआ। और उस सपने को सफल करने के लिए जो नौजवान भारत सभा के इन नौजवान युवकों ने जो बीड़ा उठाया है वो एक काफी सराहनीय कदम है। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ। और दूर दराज से आए हुए जो हमारे बीच में शिक्षा की एक बड़ी समस्या है, हर क्षेत्र में आप जहां भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में नजर उठाकर देखेंगे तो समस्याएं ज्यादा है, सहूलियत कम है। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए और सरकार को याद करवाना पड़ता है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो कमियां हमारे समाज में हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए, जो कमियां सरकार को देखनी चाहिए, वो हमारे समाज के लोगों को, सरकार को वो कमियां दिखानी पड़ रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन इसके बाद में भी हमारी जो कमियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षा हमारे समाज का एक ऐतिहासिक स्तंभ है। शिक्षा के बगैर हमारा समाज नहीं चल सकता। शिक्षा के बगैर आज कोई व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर एक किसान भी है तो आने वाला समय हमारा जो होगा वो एक ऐसा समय होगा कि अनपढ़ किसान भी खेती नहीं कर पाएगा। हमें कृषि करने के लिए या छोटे छोटे काम करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो नौजवान भारत सभा के इन साथियों ने ये जो शिक्षा को ऊपर उठाने का और शिक्षा को बचाने का जो बेड़ा उठाया है, ये काफी सराहनीय है। और नौजवान भारत सभा के साथियों से मैं विनती भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि वो ऐसे ही चलते रहें, उनके कदम ना डगमगाएं, ऐसी मैं ईश्वर से आशा करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। और आरएमपी एसोसिएशन, जहां भी आपको कहीं आवश्यकता पड़ेगी, हमारी एसोसिएशन आपके कामों को पूरा भरपूर सहयोग देगी। और जहां भी आप बुलाएंगे, हम जो भी हैं, जितने भी हैं, आपके बीच में पहुंच जाएंगे। भगत सिंह को चलते तो सारे हैं भाई, कोई ना कोई आज भगत सिंह पैदा हो। जब देश आजाद हुआ था, जब भी 20% के लोग लगभग भगत सिंह के साथ जैसे लोग थे, अभी सभी लोगों ने भाग नहीं लिया। आज भी हम कोई सभी लोगों से उम्मीद नहीं करते कि कोई क्रांति आएगी। और क्रांति भाई भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो पड़ोस के घर में। वो एक शायर ने कहा बड़ी अच्छी बात, साथियों, एक शायर ये कहता है, माजी खुद जवाब है। माजी कहते हैं अतीत को साथियों, अतीत जो गुजर जाए, उर्दू का शब्द है। माजी खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में गुथे बिना कभी गुलाब नहीं होते। रुको आग की तरह जलाना पड़ता है दोस्तों, रुको आग की तरह जलाना पड़ता है। मुट्ठी बांध लाने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते हो, कभी इनकलाब नहीं होते मुट्ठी बांधने। भगत सिंह बनना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से नहीं आएगी। कुर्बानी तो भगत सिंह की तरह ही देनी पड़ेगी आप लोग। और जो आज का बुनियादी ढांचा है, जो इस सभा के अंदर जिस बात पे चर्चा है, वो शिक्षा के अधिकार पे, शिक्षा के बारे में वो सभा जो है कि शिक्षा का निजीकरण ना हो, सरकारी तौर पे। हम भी वही सरकारी स्कूल में रेलवे कॉलोनी में पढ़े हुए हैं।
बुनियादी ढांचा शिक्षा का सरकारी तौर पे सभी को मुफ्त शिक्षा हो, सभी को शिक्षा मिले, निजीकरण नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज का निजीकरण ना हो, सरकार सभी लोगों को सुविधाएं दे सभी लोगों के अनुसार। अत्यधिक ना बोलते हुए अभी हॉस्पिटल से आए हैं, वहां भी हड़ताल चल रही है आशा वर्कर की। आपका प्रोग्राम का भी कल पत्र मिला, आपके बीच में भी आए और फिर एक जगह और भी जाना। तो अत्यधिक ना बोलते हुए अपनी बात को यही खत्म करते हुए मैं आपको बताता हूं कि हिम्मत करके लड़ना पड़ेगा और जैसे लोग हैं उनके बीच में रह के उन बुराइयों को दूर करते हुए आपने पूरी मेहनत के साथ एकजुट होके इकट्ठे रहना है। सभी भाइयों ने कहते हैं जज्बे शोके शहादत क्या कीजे, जज्बे शोके शहादत क्या कीजे, हाथों में अपने सर ले लिया, कत्ल होने से कातल कातलों के मोहल्ले में घर ले लिया, साथियों कातलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो अब अपने उन जैसा होके लड़ना है और लड़ाई को अंतिम दौर तक लेके जाना है जब तक लड़ाई खत्म ना हो। मैं अपनी पटवारी यूनियन नेरी पटवारी यूनियन की तरफ से और सिंचाई विभाग कॉम्प्लेक्स का पूरे जिले का संयोजक होने के नाते, सर्व कर्मचारी संघ का वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जिले के, मैं आपकी सभी की सभी मांगों का पुरजोर तय दिल से आपका समर्थन करते हुए और अपनी बात आप तक संप्रेक्षित करी, इसके लिए आपसे धन्यवाद चाहूंगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सभा का। जय नौजवान भारत सभा, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद 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 इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैंने कहा था मुट्ठी बांध लेने से इंकलाब नहीं होते, भी शायद शेर पड़ा था और तुम तो मुट्ठी भी नहीं बांध रहे, मुट्ठी तो बांधो तो आज तो निकालो मेरे दोस्तों। वो कहते हैं ना बंदूक के अंदर जब तक आखिरी गोली हो, बंदूक के अंदर जब तक आखिरी गोली हो तो जंग को कभी भी समाप्त नहीं समझना चाहिए। तो मेरे तो हिसाब के अंदर यहाँ तो गोलियां ही बहुत है, फिर तो चिंता कर रहे हो तुम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। मेरे प्यारे लोगों, भैन भरावो, बच्चों, विद्यार्थियों, तो सब नु मैं अज दे कठ दी बधाई दिना। सन 1947 तो बाद जो भगत सिंह ने साबे ने जो जंगा लड़िया सी वो अज तक जो लोग आपके मसलों वास्ते, छोटे मसलों वास्ते, तनखाहां वास्ते, आपके निके निके मसलों वास्ते लड़ते सी, अज एक तुसी वड्डी जंग की तैयारी करने वास्ते कि जिहड़े मनियादी मौके मेरे मुद्दे थोड़े उन्होंने चकन वास्ते तो माल उत्थे ही बना के उत्थे ही बेच देना। जेड़ा साडे मुल्क दे विच भंडार पिया, साडे कच्चा लोहा पिया, बहुत कुछ पिया, तां उहदे विच इह गल है कि उहदे विच सारा कुछ इत्थे वड्डियां वड्डियां कंपनियां लाउण वास्ते उह लगातार उहनां दी तैयारी है कि जेड़ा नौजवानां ने साडे लड़ लड़ के भगत सिंह ने सराबियां ने उस अंग्रेजां नूं इत्थों पर्दे तों बाहर करिया सी, तां साडा मुल्क जेड़ा उस टाइम ते लोक पूरी तरह गुलाम सीगा ते अज वी गुलाम हैगा। अज उह कानूनां दे गुलाम हैगा ते अंग्रेज पर्दे ते ओहले हो गए ते काले अंग्रेजां नूं समा गए। वो जेडे काले अंग्रेज अज थोनू गुलाम बनाउण वास्ते तरह तरह के उन्होंने कानून बनाए हुए हैं, तो साडियां औरतां दे नाल हर रोज कोई ना कोई कर्म हो रहा है, तो उन्होंने तो रोज इतों की सरकार इतों की पुलिस उन्होंने खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती, तो लगातार इतने कोई ना कोई नहीं तो कोई ना कोई वड्डी तो वड्डी घटना वापरती है। तो इस गल है कि साडे लोगों नूं हत्थां नूं कम चाहीदा है, तो इतने की उल्ट है कि साडे हत्थों तों कम खोल मॉडल लेके आ रहे हैं, स्कीम वो लेके आ रहे हैं। ਉਹ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ,
ना कोई उन्हें खास कलाक मंगनी है, ना उन्हें जोड़ा जुत्ती मंगना है, उन्हें कुछ नहीं मंगना। उन्हें सीधा मुनाफा जेडे कंप्यूटर प्रदेशियां देना, उन्हें कंप्यूटर ने सीधा मुनाफा उधर लेके हूँ। प्रधान हरियाणा रोडवेज सिरसा तो सुरजीत अरोड़ा जी, आदर मेहमान के जो इस नौजवान सभा के अध्यक्ष मुद्दे हैं, वे भिन्न भिन्न पिंडा तो आए हुए मेरे बुजुर्ग साथी, वे नौजवान साथी, वे मेरी बहनें महिला शक्ति, बड़ी खुशी की गल है, बहुत बधाई दे पत्र ने साडे साथी जिन्होंने साथी आपकी आवाज उठाई। नौजवान सभा ने साडे अज हक सानू नहीं मिल रहे, बड़ी खुशी की गल है। मैं बड़ी बड़ी बधाई देना इन साथियों नू जिन्होंने साथी आपकी आवाज उठाई, आवाजी आवाज बुलंद की। साथियों सब तो पहला मैं नौजवान सभा दी जिहड़ियां मंगां ने हरियाणा रोडवेज वालों प्रधान होने के नाते मैं समर्थन करदा भी बिल्कुल जायज मंगा ने, इन्हां दी मंगा बिल्कुल मननियां चाहीदियां ने। और आश्वासन दवाना हरियाणा रोडवेज सरसा वालों भी साडी जिथे भी जरूरत महसूस करेंगे असीं इन्हां दे नाल कंधा दे नाल कंधा मिला के चलांगे। साथियों टाइम बहुत थोड़ा है, मेरे तो वक्ताओं ने सारी गल बरीकी रखी है, मैं एक या दो मिनट का ही समा लाँगे। साथियों अज तो कुछ दिन पहले असीं क्या करते सी भी क्या मांगे मजदूर किसान, आपां कह दिंदे सी रोटी कपड़ा और मकान। रोटी रोजी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये नारा असीं बड़ा पुराना देंदे आए हैं। पर असीं हुणे महसूस करिया है भी सरकार जिहड़ी मर्जी बदल लो, तुसीं सारे पिछे तो नज़र मार लो, अज तक ऐसी मेरे विश्वास दे विच तीन चार पार्टियां दी सरकार असीं देख चुके हैं। जिहड़ी सरकार जो भी जनता विरोधी नीति लागू करके गई है या जिन्हें इस चीज़ का बी बोया है, जिहड़ी सरकार आई है उहदे बंदे जरूर लीडर बदलने ने, बाकी नीति साथी किसी ने नहीं बदली, उस नीति नूं उन्होंने बढ़ चढ़ के लागू करिया। तो इस करके साथियों नीतियां बदलाने वास्ते आपां नूं ही जागरूक होना पएगा, जिहड़ा कि अज असीं हो रहे हैं। गल्लां दो ही ने दुनिया दे विच, एक लुटेरा वर्ग एक कमेरा वर्ग। कमेरा वर्ग कौन है कि जिहड़े असीं आपदे चाहे किसी जात नाल संबंध रखते हैं, चाहे किसी धर्म नाल संबंध रखते हैं, चाहे कुछ भी हाँ, जिहड़े कि असीं आपदे हथ की मेहनत कमाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लटेरा वर्ग कौन है कि जिहड़ी साडी मेहनत ते खून पसीने की करी हुई कमाई नूं एसी कमरे दे विच बह के इन्हां लीडर नाल मिल के साडी हक ते हलाल की कमाई साथियों खांदे ने। साडे शहीद साथियों ने कुर्बानियां, टाइम गल बहुत करनी सी पर टाइम थोड़ा है, मैं दो ही बस। साडे जिहड़े साथियों ने शहीदता दित्तियां, शहीद भगत सिंह, शहीद उमर सिंह, उधम सिंह, उन्होंने शहीदता इसे वास्ते दित्तियां सी कि सोने की चिड़िया होए, हरेक नागरिक नूं कम, हरेक नूं माता नूं भैण नूं अपना अधिकार सुरक्षित रहण दा, खुले साथ जीण दा, खुले मौत जीण दा। पर साथियों इह सानूं कुछ वी नहीं मिलिया। उन्हां दी यादां नूं, उन्हां दे ख्वाहिशां नूं अगर असीं पूरा करना है तो साथियों बिल्कुल बड़ा सोहना प्रोग्राम लग रहा है, बहुत साथी जुटे ने, माता धारणा बहुत जुड़िया ने। तो मैं साथियों यही अपील करांगा भी इदों वध तों वध के साथी सहयोग देण, ताकि असीं इह आवाज आपकी बुलंद कर सकीए, इन्हां गूंगियां बहरियां सरकारां नूं जगा सकीए। तो साथियों मैं समर्थन देना। और दूजा नंबर ऐसी 30 तरीक का जेल भरो अंदोलन रखा हुआ है जिला सरकमचर संघ और महासंघ ने, उसके वास्ते भी मैं नौजवान सभा अगे अपील करांगा भी साथियों के अंदर बढ़ चढ़ के साड़ी मदद करन, ताकि जिहड़ी सरकारां ने इन्हां दी जिहड़े जनता विरोधी नीतियां लैके आ रहे ने साथियों, उन्हां दा असीं मूँह तोड़ के जवाब दईए। जवाब असीं तां ही देवांगे, ऐसी ऐ नहीं यानी कि ऐ होके चलांगे। तो मैं फिर अनुरोध करांगा सारे साथियों अगे भी ऐ दी बजाय हुण तुसीं ऐ हो जाओ। समय है, एक नारा लावांगा उहदा जवाब दिया जाए भी तुहानूं मेरी गल किन्नी चंगी लगी ते किन्ने क असीं अगे होके चलांगे। नौजवान सभा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नौजवान सभा आगे बढ़ो, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।